नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से एक नई सीरीज डेली करंट न्यूज प्रारंभ किया जा रहा है। इस सीरीज के करंट अफेयर बीपीएससी व अन्य एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज की इस वीडियो में 23 अगस्त के न्यूज को कवर किया जाएगा। आइए देखते हैं पहले इस डेली न्यूज के प्रारूप को। इसमें पहले इंटरनेशनल न्यूज कवर किया जाएगा, उसके बाद दूसरे टॉपिक में नेशनल न्यूज को कवर किया जाएगा, तीसरे टॉपिक में बिहार से संबंधित न्यूज होंगे और चौथा जो टॉपिक है उसमें संबंधित समाचारों के प्रश्न होंगे। तो चलिए पहले कवर करते हैं इंटरनेशनल न्यूज को। राष्ट्रीय समाचार में पहला न्यूज है कि विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त तक मनाया जा रहा है। इसका आयोजनकर्ता स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी सीवी है। वर्ष 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान यानी कि सीवी प्रत्येक वर्ष विश्व जल सप्ताह का आयोजन करती है। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। अगला न्यूज है अभ्यास पिच ब्लैक 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। यह एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। ध्यातव्य है कि इसका पिछला संस्करण वर्ष 2018 में आयोजित किया गया था, क्योंकि इस अभ्यास का 2020 संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। अगला न्यूज है नासा द्वारा स्फेरिक्स मिशन संचालित किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य मिल्की वे में जल व कार्बनिक अणुओं की खोज करना है। इस मिशन की अवधि 2 साल है। आगे चलते हैं नेशनल न्यूज पे। नेशनल न्यूज में पहला न्यूज है सूत्र संतति प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। आयोजनकर्ता संस्कृति मंत्रालय है। इसका उद्देश्य शिल्प कौशल व पारिस्थितिकी संरक्षण करना है। संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय संग्रहालय के द्वारा अभराज बलदोटा फाउंडेशन के सहयोग से इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी 20 सितंबर 2022 तक जारी रहेगी। और यहाँ पे ज्ञात हो कि सूत्र संतति का अर्थ है सूत की निरंतरता। आगे चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी नाफीज का उद्घाटन किया गया और यह NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा निर्मित किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। सभी मंत्रालयों के पुरस्कारों के लिए सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला न्यूज है विमान वाहक पोत विक्रांत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 सितंबर को नौसेना में शामिल किया जाएगा। यह पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। तो आजकल बीपीएससी डेट भी पूछती है, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और इसके बारे में है कि वर्तमान में भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है जो कि रूसी मूल का है। उसका नाम है INS विक्रमादित्य। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला न्यूज है नेशनल हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पुणे में KPIT CSIR द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का शुभारंभ किया गया है। लंबी दूरी के मार्गों पर चलने वाली डीजल बस की तुलना में इस बस में शून्य उत्सर्जन होता है। डीजल बस आमतौर पर सालाना 100 टन CO2 का उत्सर्जन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं बिहार न्यूज। तो इसमें है पहला न्यूज है 15वें राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने 40 पदक जीते हैं। और यह राष्ट्रीय ग्रैपलिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हरियाणा में। तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगला न्यूज है गया में पितृपक्ष मेला के उपलक्ष्य में फल्गु नदी में वर्ष भर 3 मीटर पानी न्यूनतम बनाए रखने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई। आगे है कि विजय कुमार सिन्हा बिहार के 4th विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। अन्य 3 अध्यक्ष जो हैं उनके नाम हैं, पहला विंध्येश्वरी प्रसाद वर्मा, जिन पर वर्ष 1960 में ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। दूसरे जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम है राम नारायण मंडल, इन पर वर्ष 1970 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। और तीसरे बिहार विधानसभा अध्यक्ष गुलाम सरवर जी हैं, जिन पर वर्ष 1992 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आगे है मिथिला के मखाने को GI टैग प्रदान किया गया है। आप सभी इस न्यूज से अवगत होंगे, बहुत लंबे समय से प्रयास किया जा रहा था कि मिथिला के मखाने को GI टैग मिल जाए। तो GI टैग क्या होता है?
जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक संकेतक होता है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों की पहचान करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो ये मिथिला मखान को मिल गया है जीआई टैग। आगे है कि बिहार के पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट व नेचुरल फाइबर पार्क स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ा है ये जूट व नेचुरल फाइबर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो बिहार के पूर्णिया में। तो ये तीन टॉपिक हमारे कवर हो गए। अब आगे चलते हैं आज के प्रश्न पर। तो आज के समाचार से संबंधित कुल तीन प्रश्न होंगे, जिसमें पहला प्रश्न है कि स्फेरिक्स मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। मैं प्रश्न एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, स्फेरिक्स मिशन का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, डी सीएनएसए। दूसरा प्रश्न है सूत्र संतति प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। इसके ऑप्शन है कपड़ा मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी संस्कृति मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। यहाँ पे मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये संबंधित समाचारों से ही प्रश्न बनाए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को इसके आंसर पता होंगे और बहुत ही सरल प्रश्न है ये, बस एक रिवीजन के तौर पे इन प्रश्नों को दिया जा रहा है। तो आप सभी को इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो दूसरे का ऑप्शन मैंने बढ़ दिया कि सूत्र संतति प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर बताना है। तीसरा जो प्रश्न है वो है मखाना को किस नाम से जीआई टैग मिला है। इसके ऑप्शन है ए बिहारी मखाना, बी सफेद मखाना, सी मिथिला मखाना या डी मधुबनी मखाना। तो इन तीनों जो प्रश्न हैं उनके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। बाकी 24 अगस्त के न्यूज के साथ मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखें, इसका रिवीजन करें। धन्यवाद।